आज मैं आपको बताने वाला हूं दो लोगों का ऐसा महाटोटका जो आपकी दुकान को ग्राहकों से भर देगा। आपकी दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होगी। आपकी दुकान का काम देखते ही देखते बहुत अच्छा दौड़ने लगेगा। जो उपाय, जो महाटोटका लोग का आज मैं बताने वाला हूं, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो ऐसे उपाय आपको मिलते हैं। हमारी बड़ी मेहनत, हमारी बड़ी लगन रहती है कि आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय हम लेकर के आते रहें जो तुरंत प्रभाव से आपको रिजल्ट दे सके। अगर आपकी दुकानदारी नहीं चल रही, आपकी दुकान में दिक्कत आ रही है, आपकी दुकान में नजर लगती है, आपकी दुकान में टोक लगती है, या आपके शत्रु आपका काम बिगाड़ना चाहते हैं, तो आज जो महाटोटका मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने सच्चे मन से इस उपाय को कर लिया तो विश्वास रखिए आपका कोई भी काम कभी कोई शत्रु नहीं बिगाड़ पाएगा। और आप ये भूल जाएंगे कि आपकी दुकान में कभी ग्राहकों की भी कमी थी। फूल वाली लौंग आप सभी ने देख रखी होगी। इस लौंग का प्रयोग भोजन में भी किया जाता है, इस लौंग का प्रयोग देव पूजा में भी किया जाता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में इस लौंग को बहुत पवित्र कहा गया है। लौंग के ऐसे ऐसे चमत्कारी टोटके हैं जिनका रिजल्ट हमें मात्र कुछ ही दिनों में मिलता है। हमारे पास काफी समय से भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, दुकानदारी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें ज्यादा खर्च भी ना हो और आसानी से हम उस उपाय को कर सके। तो आज जो उपाय मैं लेकर आया हूं, ये करने में भी आपके लिए आसान होगा, इस उपाय का रिजल्ट भी आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा। लेकिन इस उपाय को करते वक्त आपको एक नियम बनाना पड़ेगा कि जिस समय आप इस उपाय को कर रहे होंगे, अपने मन में राम 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 शब्द का उच्चारण लगातार चलता रहेगा। केवल और केवल मन मजबूत करना पड़ेगा। राम 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 अपने मुख से आपने जपते रहना है। नमस्कार, सुस्वागत। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपके बिजनेस अच्छे चलते रहे, यही माता रानी से हमारी प्रार्थना है। साथियों, जो भी दर्शक पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपसे मेरी एक विनम्र विनती है कि वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आगे भी अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, आपके मित्र, उनको भी वीडियो जरूर भेज दें ताकि उनको भी उपाय मिले, उनके लिए भी उपाय काम आए। क्योंकि हमारे धर्म में ही कहा गया है, कर भला सो हो भला। तो साथियों, चलिए अब शंकर जी को नमस्कार करते हुए आज के उपाय को हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओम शंकराय नमः, द्वादशार्थ त्रिलोचनेत्राय नमः। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नीति शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज का दिव्य महाप्रयोग लेकर के। जिन भक्तों की व्यापार में, दुकान में दिक्कत आ रही है, इस उपाय को जरूर करें। चलिए उपाय आपके साथ शेयर करता हूं। बड़े ध्यान से, बारीकी से उपाय को सुनना है। आपने लौंग लेनी है। जी हाँ, जो छोटी लौंग होती है वो बाजार से खरीद कर लेकर के आनी है। 10 रुपए की लौंग आप ले आए, उसके बाद आपने ये कार्य, ये प्रयोग करना है। मंगलवार के दिन आपने छोटी लौंग अपनी दुकान में लेकर के आनी है। उनमें से आप दो लौंग उठा लें। मंगलवार के दिन सुबह अपनी दुकान में जिस समय आप पूजा कर रहे होंगे, जोत जलाने के बाद दो लौंग को जोत में डाल दें। जी हाँ, जलती हुई जोत में दो लौंग डालनी है। लेकिन लौंग को डालने से पहले अपने राइट हैंड में लौंग पकड़कर मुट्ठी बंद कर लें और लक्ष्मी माता का, कुबेर भगवान का ध्यान करें कि हे लक्ष्मी माता, आप मेरे दुकान में आइए और मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाइए। हे कुबेर देवता, आप सदा सदा के लिए मेरे ऊपर अपनी कृपा बना करके रखो। ऐसा बोलकर दो लौंग को जोत में छोड़ देना है। अब जो बाकी की लौंग है उनमें से दो लौंग आप उठा लें, इनको किसी सफेद कागज में रख लें, कागज को बंद कर लें। इस कागज को जोत के ऊपर से जैसे घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है और अपनी दुकान के पैसे जहां आप रखते हैं गुल्लक में इसको रख देना है।
नेक्स्ट डे फिर इस कागज को उठाना है, जोत के ऊपर से 7 बार घुमाना है, फिर गुल्लक में रख दे, फिर नेक्स्ट डे जोत के ऊपर से घुमाना है। यह प्रोसेस लगातार 21 दिन आपने करना है। 21 दिन के बाद उस लोंग को आप जो गुल्लक में रखी हुई है चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, उसकी जगह नई 2 लोंग आप ले लें, उनको फिर वैसे ही कागज में वैसे ही फिर जोत के ऊपर से घुमाकर गले में रख देना है। 21 दिन फिर ये प्रोसेस करना है। टोटल हो गए 42 डेज, यानी कि 42 दिन। साथियों 42 दिन तक ये विधि आपने करनी है। और खास बात का ध्यान रखना है, जब आप इस विधि को कर रहे होंगे आपने बीच में कोई भी दिन नहीं छोड़ना है। अगर बीच में कोई दिन आप छोड़ेंगे तो इस उपाय का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बीच में कहीं जाते हैं तो आपके परिवार का कोई और सदस्य, आपकी माता, आपकी पत्नी या आपका बेटा जो भी है वो भी आपकी जगह इस उपाय को कर सकता है, लेकिन मिस बीच में नहीं करना है। खाली बीच में कोई भी दिन नहीं छोड़ना है। साथियों 42 डेज के बाद जो बची हुई लोंग है जो आपके पास रखी है, उन सभी लोंग को आप भगवान का ध्यान करते हुए शाम के समय चलते हुए पानी में प्रवाहित करके आ जाएं। ये विधि आपने करनी है। आपकी बरसों से अगर दुकानदारी में कोई दिक्कत आ रही थी, काफी समय से अगर दुकानदारी में कोई दिक्कत आ रही थी, इस प्रयोग के करने के बाद आपकी सारी बंदिशें हटेंगी, दुकान का काम देखते ही देखते इतना अच्छा होने लगेगा कि स्वयं आप कमेंट में उत्तर देंगे। साथियों यहां पर एक बात का विशेष और ध्यान रखना है कि जब आप इस उपाय को कर रहे होंगे आपने किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है। अहंकार, काम, क्रोध, लालच, इन सब का भी त्याग करना है जब तक 42 डेज की 42 दिन की ये कार्यविधि है। साथियों जितना ज्यादा सत्य भाव से आप इस उपाय को करेंगे उतना जल्दी परमात्मा आपकी तरक्की के रास्ते खोल देंगे। अगर आज के उपाय से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और जैसा मैंने आपको कहा है कि मेरी विनती है आगे भी वीडियो शेयर जरूर करें ताकि अन्य भक्तों को भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। प्रिय बंधु जनों आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट एपिसोड में आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आपसे आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भद्रकाली माता का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। सभी भक्त कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा लगा देंगे। बहुत साचे दरबार की जय। जय माता की।